आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित की एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज हम एक ऐसी चीज देखेंगे जिसको बहुत सरलता से आप कर सकोगे। और इतनी सरल चीज है लेकिन परिणाम इतना अद्भुत होगा कि आपको पूर्ण रूप से घर में हर प्रकार से सुख सुविधा मिलने लगेगी, मन चाही वस्तुएं मिलने लगेंगी बहुत छोटी क्रिया से। ऐसी क्या क्रिया है महाराज? आपको बता दूं कि बहुत लोग घर में देवताओं की कृपा पाने के लिए धूप दीप पूजा सब करते हैं, लेकिन उनका दीपक इतना छोटा होता है कि उससे वो मनवांछित देव शक्ति को आकर्षित नहीं कर पाते। वो कई वर्षों तक दीपक करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि ये दीपक छोटा होने से, थोड़ी देर जलने से जो दैविक शक्ति वहाँ पर स्थापित होनी चाहिए वो स्थापित बराबर नहीं हो पा रही है। लेकिन सभी देव शक्तियों को अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से खींच के घर में तरंगों के रूप में आकर्षित करने और जो मनवांछित वस्तु को प्राप्त करके घर में सुख शांति समृद्धि को बढ़ाने के लिए शास्त्रों में एक छोटा सा उपाय बताया गया है। ये उपाय है कि आप जब दीपक करते हो तो उस दीपक में जो बत्ती डालते हो ये रुई का मत डालिए। पहले तो इसको आप मोली बोलते हैं, हम लोग नाड़ा छड़ी गुजराती में बोलते हैं, मोली बोलते हैं, हाथ में कलाई में जो लाल कलर का डोरा बांधते हैं उसी की बत्ती बनाइए और दो डोरों को चोटी की तरह गूंथ के फिर उसकी मोली बनाइए। और मैं जो कह रहा हूँ ये दो वस्तुओं को आप लेकर के इस बत्ती को उसमें डाल देंगे तो सामने कोई भी देवता को आप ये दिया जलाओ, उन देव शक्ति को खींचने की ताकत, भले वो छोटा दिया हो बड़ा दिया हो, ताकत इतनी आएगी कि घर में आप एक प्रकार से शांति खुशी आनंद महसूस कर पाओगे। ये क्या है महाराज? थोड़ा सा शुद्ध गुलाब जल ले लीजिए, एकदम शुद्ध गुलाब जल। थोड़ा सा गुलाब जल लिए आप एक कटोरी में ले लीजिए, वो कटोरी कोई भी हो सकता है, स्टील का, पीतल का, तांबे का, कोई भी कटोरी में गुलाब जल। और थोड़ा सा चंदन घिसा हुआ, चंदन पाउडर दुकानों में मिलता वो नहीं, चंदन की लकड़ी से घिसा हुआ, चंदन की लकड़ी लेके पाटे से घिसा हुआ थोड़ा सा चंदन हो तो भी चलेगा, क्योंकि दुकान में जिस नाम से, चंदन के नाम से जो चीजें बिक रही है वो चंदन ही नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा घिस के चंदन लेना पड़ेगा या असली चंदन का पाउडर मिले तो थोड़ा सा गुलाब जल में ये थोड़ा सा चंदन का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा, एकदम समझिए कि एक छोटा आंवला जितना, उससे भी कम डालो तो भी चलेगा, डाल के गुलाब जल में मिला दीजिए। ये जो बत्ती है मोली की, दीपक की मैंने बोला, उसको इस पानी में डाल दीजिए, अच्छे से भीगने दीजिए रात भर, सुबह तक, दो तीन दिन, चार दिन, वो अच्छे से भीगेगा तो गुलाब जल को अच्छे से खींच लेगा चंदन के साथ। फिर इसमें अगर चंदन जल गुलाब जल बचा है तो इसको वापस दूसरी मोली भी डाल के और भिगा सकते हैं, लेकिन इसको उठा के धूप में सुखा दीजिए, किसी कागज में रख के, प्लेट में रख के आप अच्छे से धूप में सुखाइए, इतना सुखाइए कि आप उठाओ तो वो एकदम सूखा हुआ कड़क हो जाए। इतना सूखने के बाद टुकड़े कर लीजिए, उसको बत्ती बना के एक डब्बे में भर के रख लीजिए, इसको आप डाल के दीपक करके देखिए, जब आप तेल या घी डाल के इससे दिया जलाओगे, ये गुलाब जल और चंदन मिश्रित भक्ति की शक्ति में जो दैविक ऊर्जा है, सामने किसी भी देवता के लिए आपने दीपक किया हो वो देवता हर हालत में आप पर कृपा बरसाने के लिए बाधित होंगे और निश्चित ही घर में विशेष प्रकार का लाभ दिख आएगा। इसलिए आप ये छोटा सा दिख रहा उपाय को करिए, ये दिखने में छोटा लेकिन करे काम गंभीर है, इसलिए गुलाब जल और चंदन मिश्रित जल से बत्ती को डाल के उठा करके इससे दिया करके देखिए और बड़ा आनंद आएगा। जब इस दीपक से आप घर में रोज बत्ती करके दीप धूप करोगे, घर में अलग ही वातावरण महसूस होगा, घर बदला बदला सा महसूस होगा, सुख शांति महसूस होगी, जो जो चीजों में कमी दिखी उसमें सुधार महसूस होगी। और जब दीपक की बात किया तो याद आया कि मैं काशी में ठहरा हूँ
और 7 तारीख को यहाँ लाखों दीपक जलेंगे जहाँ देव दिवाली है। बहुत बड़ी देव दिवाली के उत्सव काशी में ही मनाई जाती है। ऐसे काशी में 16 तारीख को भैरव देव का जन्मदिन मनाया जाएगा, क्योंकि काशी के कोतवाल भैरव है। हम भी यहाँ पर महोत्सव मनाने पहुंचे हैं। 100 फुट के भैरव बना रहे हैं, 100 फुट के भैरव, और रोज 13,500 भैरव गंगा की मिट्टी से बनाएंगे, और रोज बनाते बनाते 8वें दिन तक 1,08,000 मूर्ति बनाएंगे भैरव के। ये सभी मूर्ति अपने भक्त, खुद अपने हाथ से आने वाले भक्त बनाएंगे। 1,08,000 भैरव पर रोज पूजा होगी 8 दिन तक, और विशाल पूजा में 1,08,000 पुष्प, 1,08,000 दीपक, 1,08,000 मिठाई ऐसे चढ़ेगी जिसको बोलना तो आसान है, देखे तो समझ पड़ेगा कि ये बाप रे ये क्या चीज है। इतने विशाल आराधना में 30 पंडित दक्षिण से आके नवकुंडी भैरव यज्ञ विशाल हवन कुटीर में करेंगे, और कथा भी भैरव की ऐसी होगी जो काशी के भैरव की संपूर्ण महिमा को बताने वाली होगी। 8 दिन तक सुबह में मूर्ति निर्माण और पूजा, दोपहर में कथा, शाम में यज्ञ, और रात में बड़े बड़े कलाकार, संगीत के कवि सम्मेलन में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ऐसे विभिन्न लोग आएंगे और भक्ति करेंगे। और 8 दिन तक मैं एक दिव्य यंत्र को सिद्ध करूंगा, हर दिन एक सिद्धि से। जो 8 दिन तक यहाँ रहेंगे संपूर्ण रूप से, उनको एक यंत्र दिया जाएगा जो अष्ट सिद्धि से, भैरव की कृपा से, काशी की कृपा से, हर कण कण में शक्ति से भरा होगा। ऐसा दिव्य यंत्र भी सबको प्राप्त होगा। इस महोत्सव में 2 दिन 3 दिन 5 दिन 8 दिन जितना दिन रहना चाहे वो रह सकते हैं। उसके लिए आप 1,000 रुपया भर के आप अपना नाम लिखा सकते हैं। हम एक विशाल भंडारा कर रहे हैं, जो भंडारे में सहयोग करना चाहते हैं जरूर सहयोग करें। यहाँ काशी के हर संत महंत, गरीब आए हुए यात्री और जितने नगर जन हैं, सब के लिए हम वो विशाल भंडारा कर रहे हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति मुझे भंडारे में राशन लेने के लिए सहयोग करे। लाखों लोग जब भंडारा करेंगे तो इन लाखों लोगों की भंडारे में हमने ये निश्चय किया है, हमने उसमें नाम दिया है कि हर एक के लिए राजशाही विशाल भंडारा, 2 मिठाई, 2 नमकीन, पूड़ी रोटी, 2 सब्जी, अचार, दाल, पापड़, चावल, सब चीजों से भरा ये भंडारा। लाखों लोग खाएंगे और धन्य होगा। काशी में भंडारे का अपने आप में महत्व है, इसलिए भंडारे में जरूर लाभ लें। और काशी में भैरव के दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। 1,08,000 दीपक जो जलेगा, 100 दीपक जलाना हो तो 1,000 रुपया भर के अपनी तरफ से 100 दीपक जलाइए, और 800 दीपक जलाओगे तो पूरे अष्ट भैरवों का दीप दान होगा। 8,000 रुपया भर के आप अष्ट भैरव दीप दान कर सकते हैं। काशी के घाटों में लोग दीप दान करने के लिए देश विदेशों से लाखों लोग आते हैं, और हम आपके लिए ये व्यवस्था किए हैं कि आपके भी दीप दान आपके नाम से यहाँ काशी में इस उत्सव के नाम से हो जाए। इसलिए 8,000 भर के अष्ट भैरव का दीप दान, या 1,000 रुपया भर के भैरव का दीप दान आप 100 या 800 दीपकों से, शुद्ध घी से बने दीपकों से कर सकते हैं। इसके अलावा भंडारे में आपको जो चाहे मन चाहे वो राशि दान कर सकते हैं। करोड़ों के खर्चे में होने वाले इस महोत्सव में हर एक व्यक्ति सहभागी बने, ताकि ये उत्सव काशी में निर्विघ्न भैरव कृपा से पूर्ण हो। इसलिए आप सब काशी पहुंच के महोत्सव में भी भाग लें, इच्छा अनुसार आप इसमें सहभागी बन के इस महोत्सव को भी सफल बनाएं। और भंडारे में 51,000 से ज्यादा या 51,000 रुपया कोई भी अनुदान करें तो उनका नाम, गांव और राज्य यहां महोत्सव के पंडाल के बाहर बड़े रूप से फ्लेक्स में लगाया जाएगा। तो जिन जिन को इस भंडारे में लाभ लेना है, कम से कम 51,000, 1,00,000, 2,00,000 जितनी आपकी इच्छा है उतना भेज के जरूर इसमें लाभ लें, क्योंकि ये विशाल रथ को कई लोग मिलके ही खींच पाएंगे। इसलिए आप भी इस रथ को खींचने में सहभागी बने। पावन काशी नगरी जहाँ की मिट्टी मिट्टी कण कण देवों की शक्ति से भरी है, उस पावन नगरी में होने वाले उत्सव में हर व्यक्ति उत्साह से, प्रेम से, भक्ति से सहयोग करें और खुद भी पहुंच के लाभ लें। इस महोत्सव में जो नहीं पहुंचा जिंदगी में, वो कुछ नहीं देखा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। इसलिए जरूर काशी पहुंचे। आप अनुदान सहयोग के लिए या काशी आने के लिए 9051390513 नंबर पर अपना संपर्क करके तुरंत उनसे पंजीकृत करें, या बैंक डिटेल मंगा के अपना रुपया
उधर भेजें, और बैंक डिटेल इसी वीडियो के पीछे भी दिए हुए हैं, उसको देख के भी आप अपनी दान राशि भेज सकते हैं। इस प्रकार से काशी महोत्सव भैरव कृपादायक आपके लिए पुण्यदायक बने, यही मंगल कामना करते हुए गुलाब जल और चंदन मिश्रित ये बत्ती को दीपक में डाल के देव कृपा भी प्राप्त करते रहें, जीवन को भी सफल करते रहें, यही मंगल कामना करते हुए जय मां अन्नपूर्णेश्वरी।